उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता योगी आदित्यनाथ के बारे में एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद बिष्ट ने दावा किया है कि साल 2024 में उनका बेटा यानी कि योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी आदित्यनाथ के पिता ने दावा करते हुए कहा है कि देश की जनता ने उनके बेटे को प्यार दिया है और यही प्यार 2024 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को देश के प्रधानमंत्री पद पर बिठाएगा। दरअसल हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय मुख्यालय में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद बिष्ट पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि एक बिगड़े हुए प्रदेश को सुधारने के लिए योगी आदित्यनाथ की जरूरत थी। साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ के कामों से संतुष्टि जताते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश में विकास के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले योगी आदित्यनाथ और उनके पिता उत्तराखंड में रहते हैं। योगी अपना परिवार छोड़कर कम उम्र में गोरखपुर आ गए थे और यहां दीक्षा लेकर योगी बन गए थे। फिलहाल अभी भी वो गोरखपुर मंदिर के महंत हैं और गोरखपुर के सांसद हैं। साल 2017 में हुई विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा को उत्तर प्रदेश में बहुमत मिला था, जिसके बाद भाजपा की तरफ से योगी आदित्यनाथ का चुनाव मुख्यमंत्री पद के लिए किया गया। उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता योगी आदित्यनाथ के बारे में एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद बिष्ट ने दावा किया है कि साल 2024 में उनका बेटा यानी कि योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी आदित्यनाथ के पिता ने दावा करते हुए कहा है कि देश की जनता ने उनके बेटे को प्यार दिया है और यही प्यार 2024 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को देश के प्रधानमंत्री पद पर बिठाएगा। दरअसल हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय मुख्यालय में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद बिष्ट पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि एक बिगड़े हुए प्रदेश को सुधारने के लिए योगी आदित्यनाथ की जरूरत थी। साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ के कामों से संतुष्टि जताते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश में विकास के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले योगी आदित्यनाथ और उनके पिता उत्तराखंड में रहते हैं। योगी अपना परिवार छोड़कर कम उम्र में गोरखपुर आ गए थे और यहां दीक्षा लेकर योगी बन गए थे। फिलहाल अभी भी वो गोरखपुर मंदिर के महंत हैं और गोरखपुर के सांसद हैं। साल 2017 में हुई विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा को उत्तर प्रदेश में बहुमत मिला था, जिसके बाद भाजपा की तरफ से योगी आदित्यनाथ का चुनाव मुख्यमंत्री पद के लिए किया गया।